ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे तनाव और विश्राम क्या है दोनों और दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं और कितनी ज़रूरत है तनाव को विश्राम की। देखिए, हम शरीर में जो तनाव महसूस करते हैं उसका मूल कारण है कुछ बनने की इच्छा। हर आदमी कुछ न कुछ बनने की चेष्टा कर रहा है, जो जैसा है उसके साथ संतुष्ट नहीं है, हमारा होना स्वीकृति नहीं है, उसे इनकार किया जा सकता है और दूर कहीं एक लक्ष्य निर्माण किया जा सकता है या किया जाता है। तो मूलभूत तनाव है जो तुम हो और तुम बनना चाहते हो उसके बीच की दूरी। आप जिसकी भी आकांक्षा करते हो वो भविष्य में पूरी होगी। आज तुम या आप जो भी हो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। लक्ष्य जितना संभव होगा उतना तनाव अधिक होगा। तो भौतिकवादी आदमी इतना तनावपूर्ण नहीं होगा जितना कि आध्यात्मिक व्यक्ति, क्योंकि उसके आदर्श व लक्ष्य बड़ा ऊंचा होता है। आप और आपके लक्ष्य के बीच जितनी दूरी होगी उतना तनाव अधिक होगा, दूरी जितनी कम होगी तनाव भी कम होगा। यदि आप स्वयं से पूर्णतया संतुष्ट हैं तो तनाव बिल्कुल नहीं। आप इस क्षण में जीते हो। मेरी दृष्टि में आपके होने और बनने के बीच कोई दूरी नहीं है, तो आप धार्मिक हो। अब इस दूरी के कई तल हो सकते हैं। आप जिसकी आकांक्षा करते हैं अगर वो कोई शारीरिक वस्तु है, आपके भौतिक शरीर में तनाव होगा। वैसे आप सुंदर दिखना चाहते हैं, इसका तनाव आपके भौतिक शरीर में शुरू होगा। यदि वह बना रहा, मजबूत होता चला गया तो भीतर के गहरे तलों पर पहुंचेगा। यदि आप मानसिक शक्ति के लिए तरस रहे हैं तो मानसिक तल पर तनाव शुरू होगा और वहां से फैलेगा। इसका फैलना ऐसे ही है जैसे आप तालाब में पत्थर फेंको और एक खास बिंदु पर गिरता है, लेकिन उसकी लहरें फैलती चली जाती हैं। जो तनाव आपके साथ शरीर में से किसी भी शरीर में शुरू हो सकता है, लेकिन इसका कारण वह बना रहता है, आपके होने और बनने के बीच की दूरी, डिस्टेंस। तनाव से मुक्त होने का एक ही उपाय है, स्वयं का संपूर्ण स्वीकार। संपूर्ण स्वीकार से चमत्कार घटित होता है। यह एकमात्र चमत्कार है। ऐसे व्यक्ति को खोजना जिसने स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है एक आश्चर्यजनक घटना है, नहीं मिलेगा। अस्तित्व में कोई तनाव नहीं है। तनाव पैदा होता है गैर अस्तित्वगत काल्पनिक संभावनाओं से। वर्तमान में कोई तनाव नहीं है। कल्पना आपको भविष्य की ओर दौड़ाती है, उसी से तनाव पैदा होता है। आदमी जितना कल्पनाशील हो उतना तनाव में जीता है, तो फिर कल्पना विनाशक हो जाती है। कल्पना रचनात्मक भी हो सकती है यदि आपकी कल्पना की पूरी क्षमता उस क्षण में केंद्रित हो, आगे नहीं दौड़ रही हो जो आप देख सकते हो। तो आपका होना एक कविता है, आपकी कल्पना शक्ति जीने में खर्च हो रही है। आपकी कल्पना शक्ति जीने में खर्च हो रही है, योजनाएं बनाने में नहीं। वर्तमान में जीना ही तनाव मुक्त जीना है। यदि आपके शरीर तनाव मुक्त वर्तमान में जी सके तो सही अर्थों में स्वास्थ्य का जन्म होता है। शरीर ऐसे विश्राम को उपलब्ध होता है जो आपने कभी नहीं जाना हो, तब उसके लिए क्षण ही शाश्वत हो जाता है। फिर तो आप जो भोजन ले रहे हैं तो खाने से ही सब कुछ होगा, उसके आगे न कुछ है न पीछे कुछ है। भोजन करने वाला कोई नहीं होगा, भोजन की क्रिया ही सब कुछ होगी। यदि आप दौड़ लगा रहे हैं या दौड़ना आपकी समग्रता बन गई है, दौड़ने से जो संवेदना उठ रही है उनके साथ यदि आप एक हो गए हैं, उनसे अलग थलग नहीं है, तो आपका शरीर एक विदायक स्वास्थ्य को अनुभव करता है। शरीर के तल पर आपने विश्रामपूर्ण अंतरतम को अनुभूत कर लिया है। तो ये है तनाव और विश्राम का रिलेशन। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।